Hi everyone, I welcome you all to our channel. My name is Priyanka and I hope you guys are doing well. So मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं एक बजट पे ऐसे वर्बली वीडियो बनाऊँ, एक थोड़ा सिंपल तरीके से बता दूँ, क्योंकि अभी तक तो काफ़ी टाइम हो चुका है. आपने बहुत सारे बजट के बारे में वीडियोस देखे होंगे, सुना होगा, है ना. लेकिन बस मेरा पर्पज़ ये है कि थोड़ा सा रिवाइज कर लें चीज़ों को, कि किन किन सेक्टर पर क्या क्या फोकस किया गया है और किस तरीके से बजट को प्रेजेंट किया गया. तो इस साल के जो बजट की 2021-2022 की जो स्पेशलिटी थी मेन, वो क्या थी कि ये पेपरलेस बजट था. आर बजट वाज प्रेजेंटेड इन अ डिजिटल फॉर्मेट. तो ये एक बड़ी बात थी. क्यों? क्योंकि 2020 में अगर चले जाएं तो उसमें COVID-19 पैंडमिक से देश पूरे, मतलब ग्लोबली सफ़र किया, पूरे वर्ल्ड ने ही. और उसकी वजह से ये सारे प्रिकॉशंस भी लिए गए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जब 2020 का जब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में बजट पेश हुआ था, तो उस टाइम पे निर्मला सीतारमण, जो हमारी माननीय वित्त जी हैं, तो उन्होंने एक अपने हाथ से सिले हुए जो झोला था उस पे बजट को प्रेजेंट किया था. लेकिन इस साल का जो बजट था वो किस में हुआ? वो पेपरलेस फॉर्मेट में था, मतलब टैबलेट से उन्होंने पढ़ लिया. तो हम भी यहाँ पे ऐसे पेपरलेस कोशिश करेंगे, पेपर है बट ब्लैक बोर्ड का ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, है ना. तो बस आई वुड रिकमेंड यू कि आप, अगर आपको बजट के बारे में डिटेल में देखना है, तो यू कैन डाउनलोड दिस ऐप यूनियन बजट, डेवलप्ड बाय NIC, नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर, और ई गवर्नेंस मोबाइल ऐप है. और इसमें बहुत अच्छे से, मतलब एक बजट एट अ ग्लांस, ठीक है, ये बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया गया. डिफिसिट स्टैटिक्स क्या है, बजट की स्पीच 1 घंटे 52 मिनट की कुछ थी वो, तो वो पूरी ना पढ़ के आप कुछ कुछ जैसे चीज़ें पढ़ सकते हो. बजट की जो हाईलाइट्स हैं, एनुअल फाइनेंशियल. हाँ, ये बात मैं बता दूं आपको कि बजट को कहीं पे भी, ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, कि कहीं पे भी हमारे संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है. इसमें क्या बोला गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है. तो बजट को किससे हमारे संविधान में मैंशन किया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और ये आपको मुझे बताना है कि कौन से आर्टिकल में ये लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है. अब दूसरा ये कि हमारे जो फाइनेंशियल ईयर होता है, तो उसमें क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है. हर 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो उसमें हमारी एक तरह से GDP किस तरीके की, इकोनॉमी कैसे रहेगी हमारी, तो वो प्रोजेक्शन भी करते हैं. तो अब बजट इसलिए पेश होता है कि जितने भी सरकार ने अलग अलग आने वाले जो वित्तीय वर्ष है, तो उसमें क्या क्या, कहाँ कहाँ पर किन किन सेक्टर पर फोकस करना है, किस सेक्टर के लिए कितना ज़्यादा वो उनका पैसा वहाँ पे देंगे, है ना. तो ये सारी चीज़ें बजट में दी जाती हैं. तो यूनियन बजट मोबाइल ऐप आप डाउनलोड करना है. इसमें 14 डॉक्यूमेंट्स हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें है, और 6 पिलर्स इसके हैं, ठीक है. और थीम भी इम्पॉर्टेंट है, आत्मनिर्भर भारत एंड द संकल्प ऑफ नेशन फर्स्ट, ठीक है. आत्मनिर्भर भारत बहुत बार हमने सुना है, ये सेल्फ रिलायंस और ये सारी चीज़ें, है ना, 2020 में. तो आप ये कर लेना. तो अगर हम पहले बजट, मतलब आगे आने वाली चीज़ों से पहले हमें डिस्कस करना ज़रूरी है कि लास्ट साल कैसा रहा, क्योंकि उससे काफ़ी सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं अभी, है ना. तो 2020 में दैट वाज अ ईयर ऑफ पेंडेमिक. अब जो आपने, जब जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट होता है, तो सभी लोग क्या लेते हैं, बिल्कुल अपने रेजोल्यूशन हम लेते हैं कि हम ये करेंगे, अब हमारी ये प्लानिंग है आगे आने वाले टाइम की. लेकिन वो सारे प्लान धरे के धरे रह गए थे, एवरीथिंग वाज डिसरप्टेड, है ना, ड्यू टू COVID-19 पैंडमिक. तो सरकार के साथ भी ऐसे ही हुआ, जो प्लान्स थे वो सारे कैंसल्ड हो गए. तो सरकार का प्लान 2014-15 में ये था कि जो हमारा वित्तीय घाटा, राजकोषीय घाटा जो होता है, यानी कि फिस्कल डिफिसिट, तो फिस्कल डिफिसिट को क्या था कि 3.5% तक रखना या इससे कम ले जाना, ठीक है. लेकिन अभी सारी मिसमैनेजमेंट हो गया हर चीज़ का, क्योंकि जो हमारा अभी राजकोषीय घाटा है वो 9.5%, जो एक होता है BE, दैट इज़ नोन एज बजट एस्टिमेट, ठीक है. तो बजट एस्टिमेट 2020-2021 की अगर हम बात करें, तो 3.5% उसमें था. अभी मैं समझाऊँगी सिंपल तरीके से इसको. और एक होता है RE, दैट मीन्स रिवाइज एस्टिमेट्स, ठीक है. तो रिवाइज एस्टिमेट में 9.5%, एंड जो BE बजट एस्टिमेट 2021-2022, तो इसमें ये बोला है कि 6.8% तक रह सकता है. अब ये क्या है, मतलब जो राजकोषीय घाटा है, कि जैसे आप सपोज आप अर्निंग कर रहे हो, है ना, आप कमा रहे हो, एंड आपने पूरे साल भर वर्क फ्रॉम होम किया, तो आपकी काफ़ी सारी सेविंग्स भी हुई होंगी. तो सेविंग्स, क्योंकि आप कहीं खर्च नहीं कर रहे हो अपने पैसे,
लेकिन फिर आपके पास क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इतना ज़्यादा पैसा हो गया कि एक सरप्लस हो गया है, ठीक है। तो सरप्लस अमाउंट हो गया है और फिर आपने सडनली क्या किया कि खर्चा करना आपने स्टार्ट कर दिया, फिर खर्चा ऐसा हो गया कि वो एक लिमिट क्रॉस कर गया है ना, तो वो क्या हो गया, डिफिसिट हो गया। तो इसी तरीके के सरकार के जो खर्चे थे वो ज़्यादा बड़े हैं ना, तो उसी को क्या होता है, वो घाटे की स्थिति में चले जाते हैं। तो सरप्लस तो इंडिया में है नहीं, तो फिस्कल डिफिसिट का जो बर्डन है वो अभी हमारी कंट्री पे बहुत है। और यही फैक्ट बजट का जो मेन है वो इम्पॉर्टेंट फिगर भी है याद करने वाला, बाकी तो कैलकुलेशन इतने ज़्यादा मतलब वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। और लेकिन जो फिस्कल डिफिसिट है वो 3.5% से 9.5% एंड 6.8% का जो 2025-2026 के लिए टारगेट दिया गया है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है, थीम मैंने आपको बता दी होगी आई होप कि आत्मनिर्भर भारत एंड द संकल्प ऑफ नेशन फर्स्ट। अब इसमें 6 पिलर्स हैं, ठीक है। 6 पिलर्स में मेन जो पिलर है वो किस पे फोकस किया गया है, प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ठीक है, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। अब क्योंकि ये जो पैंडेमिक वाला जो साल था ना 2020, तो इसमें हमको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत थी वो किसकी थी, कि हमारी जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, जो हमारे पास उस टाइम पे नहीं था। आपने देखा होगा कि पहले हमारे पास एक आध लेबोरेटरीज थी, लेकिन जैसे ही सिचुएशन हमने देखी कि बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिकली मतलब चेंज हो रही है, हमको नीड है और ज़्यादा लेबोरेटरीज़ की, अभी और पेशेंट होंगे कोविड के, तो हमने तुरंत उस पर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया। हेल्थ जो हेल्थ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया। तो इस साल का जो मेजर जो फोकस है वो हेल्थ पे भी रहा है, ठीक है, हेल्थ सेक्टर को ज़्यादा फोकस किया गया है और इसमें 137% की हाइक देखने को मिली है, ठीक है, ऑन हेल्थ वेलबींग। तो 137% की अगर हाइक देखा जाए तो किस में मिली है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में मेनली। अब 6 पिलर्स में पहला जो पिलर है, ठीक है, वो वही मैंने बता दिया कि हेल्थ पे ज़्यादा फोकस किया गया है, वो भी हम पढ़ेंगे मतलब कि क्या क्या चीज़ें हैं उसमें जो जो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से हैं। फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेकेंड पिलर ये है। थर्ड ये है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फोकस होता है, अभी भी हो रहा है, तो इस साल के बजट में भी काफ़ी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ का प्लान है गवर्नमेंट का। एंड देन इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया है ना, तो एस्पिरेशनल इंडिया का मतलब ये कि डेवलपमेंट हो तो वो सबके लिए हो, मेरे लिए हो, आपके लिए हो, और जो कहीं रिमोट एरिया में कोई बिल्कुल बहुत ज़्यादा वल्नरेबल इंसान है उसके लिए भी समान तरीके से हो। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना ये ज़रूरी है, ठीक है, यानी कि मिडिल क्लास के जो लोग हैं या फिर जो बिल्कुल गरीब लोग हैं उनके लिए इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है। देन री इन्वोग्रेटिंग ह्यूमन कैपिटल, यानी कि वही कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट्स पे ज़्यादा फोकस सरकार ने किया गया है। एंड इनोवेशन एंड R&D, तो R&D और नवाचार की तो हमको पहले से ही मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ये हमारा 5th पिलर हो गया। देन 6th पिलर, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो ये तो जो मैनिफेस्टो है उनका यही है जो सरकार है अभी करंट में, कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, कि ज़्यादा से ज़्यादा सुशासन पे ध्यान दें और गवर्नमेंट जो है तभी तो मतलब हर जगह से जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना, तो मिनिमम गवर्नमेंट का ही एक तरीके से पार्ट है। सो अब हेल्थ की हम बात करें तो हेल्थ में पहली स्कीम मैंने बताई प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ठीक है, तो इसमें 6 ईयर्स के लिए, 6 सालों के लिए 64,180 करोड़ रुपीज़ का एलोकेशन हुआ है। अब ये एलोकेशन इसीलिए हुआ है कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम आज प्रेडिक्ट कर ले कि आज हमारे पास कोवैक्सीन और कोविशील्ड जैसी वैक्सीन्स हैं तो आगे हमें आगे कोई भी ऐसे पैंडमिक का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। आगे आने वाले टाइम में भी कुछ इस तरीके के फ्लू या फिर कुछ भी वायरल जो डिजीजेज हैं वो हो सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को टैकल करने की हम पे कैपेबिलिटी हो, तो इस वजह से ये इतना जो बड़ी अमाउंट का एलोकेशन किया गया है 6 ईयर्स के लिए किया गया है, फ्यूचर में पैंडमिक से निपट सके इंडिया काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहे, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज के लिए किया गया, अगेन वही कि सरकार को मतलब क्या करना हो, जैसे डेटा अगर हो तो एक लेबोरेटरी का डेटा कहीं और शिफ्ट करना हो तो उनको इंटीग्रेट भी करने पे फोकस किया गया है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो पब्लिक हेल्थ यूनिट्स हैं, ठीक है, 11 स्टेट्स में पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बनेंगी और 3,382 ब्लॉक में, ठीक है, पब्लिक हेल्थ यूनिट्स। क्रिटिकल
हॉस्पिटल ब्लॉक बनेंगे 602 डिस्ट्रिक्ट्स में, एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ होगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे रिसर्च की जाएगी, WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन की पूरी रिसर्च की जाएगी, और मेनली जैसे जो जूनोटिक डिजीजेज है, जैसे बर्ड फ्लू भी एक बर्ड से आया, या फिर जो मतलब मेनली जो जानवरों से डिजीजेज आते हैं, तो उन वो जानवरों से मतलब किस तरीके से फैल रहे हैं, तो उनकी स्ट्रैटेजी पे भी बातचीत होगी, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पे। तो ये क्या बनेगा, वन हेल्थ नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ। इसके अलावा 9 बायो सेफ्टी लेवल 3rd लेबोरेटरीज तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देन रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी, तो जो भी मतलब वायरोलॉजी मतलब जो वायरस की स्टडी करने के लिए जो लैब्स हैं, तो ये इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे बनेगा। एंड हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर्स बनेंगे रूरल और अर्बन एरियाज में, ठीक है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। देन नेशनल हेल्थ मिशन के साथ साइमल्टेनियसली ये काम करेगा, और हेल्थ केयर सिस्टम को क्या करेगा, जो प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर ग्रुप होते हैं मतलब उसको भी ये क्या करेगा, एडिशन उसमें करेगा। देन अगर हम बात करें बाकी और जो फोकस किया गया है 3 एरियाज पे, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड वेलबींग, ठीक है। तो मतलब वही कि देश के लोगों की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी की गई है, कि मतलब अगर हम मास्क और ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडिया में, या फिर हमने जो लेबोरेटरीज है वो बहुत ज़्यादा ओपन कर ली है, तो यहाँ तक ही हमें नहीं रुकना है। इसके अलावा हमें क्या करना है, जो प्रिवेंटिव यानी कि क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव के साथ साथ उसका हमें इलाज भी खोजना है, कि कोई डिजीज़ अगर हो रहा है तो उसे क्या क्या चीज़ें मतलब कितनी जल्दी से जल्दी उस डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए वैक्सीन हम बना पाएँ, है ना, जो ड्रग्स हैं वो हम बना पाएँ और जल्दी से उसका इम्प्लीमेंटेशन करा पाएँ, तो उस चीज़ पे भी फोकस करना ज़रूरी है। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर भारत योजना की तो हमने बात की, देन न्यूट्रिशन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो एक पोषण अभियान था, ठीक है, और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, तो इन दोनों को मर्ज करके पोषण अभियान 2.0 या फिर 2.2 जो है 2.0, ठीक है, तो ये लॉन्च किया जाएगा। और पोषण अभियान आपको पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कब शुरू हुआ था, 8th of March, जिस दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, 8th of March 2018 को ये लॉन्च हुआ था पोषण अभियान। और पोषण POSHAN की भी फुल फॉर्म है, प्राइम मिनिस्टर ओवर रेलिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ठीक है, तो ये है। और राजस्थान के झुंझुनू से ये स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारी जो स्कीम्स हैं, जैसे ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, आंगनबाड़ी सर्विसेज हैं, ठीक है, तो ये सब इसमें होंगी। देन जो फोकस किया गया है, अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0, ठीक है, तो ये भी है कि शहरों में स्वच्छ भारत मिशन पे फोकस किया जाएगा। देन यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई, तो वाटर सप्लाई के लिए WHO ने मतलब ये कहा है कि अगर आपको जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर के गोल हैं तो वो आपको अचीव करने हैं, तो आपको क्लीन वाटर, सैनिटेशन और क्लीन एनर्जी, ठीक है, तो क्लीन एनवायरनमेंट, इन सब चीज़ों पे आपको क्या करना होगा, फोकस करना होगा। तो इसके लिए सरकार ने क्लीन वाटर के लिए क्या किया था, जल जीवन मिशन भी लॉन्च किया था, जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। और 5 साल में मतलब ये बोला जा रहा है कि ये इम्प्लीमेंटेशन इसका होगा। इसके लिए कितने एलोकेट किए गए हैं बजट, 2,087 करोड़। और फिर क्लीन एयर पे भी बात की गई है, क्योंकि पोल्यूशन एक मेजर इशू है, ठीक है, तो पोल्यूशन को भी मतलब 2,217 करोड़ रुपए तक का लगभग जो 42 अर्बन सेंटर्स हैं, तो वहाँ पे ये क्या करेंगे, उन स्टेट्स को देंगे, ठीक है। एंड एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये क्लीन एयर के लिए दिया जाएगा, सारे स्टेट्स को पहले आइडेंटिफाई करके कि कहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन लेवल है। देन स्क्रैपिंग पॉलिसी में ये है कि बहुत सारे जैसे हम व्हीकल यूज़ करते हैं तो उनको 15 साल हो जाते हैं, 20 साल हो जाते हैं, फिर भी हम यूज़ करते रहते हैं, तो उसमें काफ़ी एक तो आपकी सेफ्टी पर्पज़ से भी वो ठीक नहीं है, दूसरा ये कि इन्वायरमेंट के लिए भी वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो एक गवर्नमेंट क्या कराएगी, फिटनेस टेस्ट कराएगी, व्हीकल का फिटनेस टेस्ट होगा, तो उसमें अगर जो क्वालिफाई मतलब नहीं होगा व्हीकल, तो उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। और बदले में कुछ सरकार क्या करेगी, इंसेंटिवाइज भी करेगी, आपको कुछ इंसेंटिव देगी उसके बदले में।
मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार आपके 20 साल हो गए, अगर कमर्शियल के लिए ये बोला गया है कि 20 ईयर्स इन केस ऑफ पर्सनल व्हीकल एंड 15 ईयर्स इन केस ऑफ कमर्शियल व्हीकल, तो अगर आपके पर्सनल व्हीकल को 20 साल हो गए हैं और मतलब आप उसको अच्छे से यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि फोर्सफुली सरकार आपके घर के बाहर आके फोर्सफुली लेके जाएगी कि इसको तो 20 साल हो गए हैं और हम इस स्क्रैप में इसको डाल रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है। वो पहले चेकिंग होगी, अगर इंजन वगैरह सब कुछ प्रॉपरली वर्कआउट मतलब होगा, वर्क करेगा, तो तब क्या होगा वो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद पॉलिसी का आपके जो व्हीकल है वो पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो ये 20 साल और 15 साल याद रखना, 15 ईयर्स फॉर कमर्शियल व्हीकल एंड 20 ईयर्स इन केस ऑफ अ पर्सनल व्हीकल। ठीक है, देन वैक्सीन्स की बात है। ठीक है, वैक्सीनेशंस जो हुआ था, तो अभी न्यूमोकोकल जो है मेनली निमोनिया को टैकल करने के लिए वैक्सीन, खुद मेड इन इंडिया वैक्सीन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेड इन इंडिया वैक्सीन न्यूमोकोकल निमोनिया को टैकल करने के लिए। और इससे ये होगा कि जो हमारे पूरे, अगर हम पूरे साल भर की बात करें तो 50,000 से ज़्यादा बच्चों की डेथ हो जाती है, तो वो 50,000 बच्चे नहीं मरेंगे अब इससे, है ना, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। एंड अभी ये केवल 5 स्टेट में रोल आउट हो रखी है ये वैक्सीन न्यूमोकोकल, इसके अलावा इसको पूरे कंट्री वाइज फेज आउट करने की बात, मतलब इसको करेंगे, पूरा कंट्री में ही इम्प्लीमेंट होगी है। देन कोविड-19 वैक्सीन्स की बात करें हम, तो 35,000 करोड़ के फंड्स प्रोवाइड किए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा फंड इसके लिए प्रोवाइड किया गया है। और अभी हमारी बाकी की और जैसे जाइडस की है और स्पूतनिक, तो उसको भी चांसेस है कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसका हो वैक्सीनेशन, क्योंकि दो तो अभी है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, है ना। इसके अलावा बात करें हम, अगर दूसरा पिलर जो है यानी कि फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें किसी ने पूछा था PLI क्या होता है, तो PLI मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसका जिक्र बहुत बार ये न्यूज़पेपर में टर्म आता है PLI, तो ये स्कीम है क्या कि मतलब हमको देखो क्या बनना है कि ग्लोबल चैम्पियन बनना है हमको। ठीक है, ऐसा सरकार का कहना है, हमको ग्लोबल चैम्पियन किस चीज़ में बनना है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में इंडिया को। इसके अलावा और क्या एसेंशियल है हमारे लिए, जो हमारे आत्मनिर्भर भारत है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कैपेबल हों मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट्स, मतलब मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा हों, जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं उनको हम प्रमोट करें। इसके अलावा ये क्या करेगा, बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट करेगा, जॉब्स क्रिएट करेगा, तो इस वजह से हमको ये PLI जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, तो इस पे फोकस किया गया है। अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था कि जो टेलीकॉम सेक्टर है उसके लिए भी बजट निकाला था इसी के अंदर, तो वो वही था कि डोमेस्टिक टेलीकॉम जो सेक्टर्स हैं मतलब ऑपरेटर्स हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट ये देगी। ठीक है, तो इसके लिए अभी भी सरकार टारगेट है कि हम क्या करेंगे, 5 ट्रिलियन का जो हमारा सपना है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो वो हम बन पाएंगे, और इस वजह से यहाँ पे तभी बन पाएंगे जब मैन्युफैक्चर को क्या करना होगा, इसको बूस्ट करना होगा, तो इसके लिए 5 सालों के लिए 1,97,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। ठीक है, तो ये है। दूसरा, टेक्सटाइल में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मित्रा क्या है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स, तो ये स्कीम भी चली जाएगी मित्रा, अगर मतलब बस ये आता है कि मित्रा स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है, टेक्सटाइल पार्क्स बनेंगे, तो कितने इंडिया में, 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क का मतलब ये इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा असेट इन्वेस्टमेंट है कि सरकार के पास जितने भी जो बैंक्स हैं और जो कंपनीज हैं, ठीक है, तो मतलब वो क्या करेंगे असेट मोनेटाइजेशन में, कि वहाँ पे मोनेटाइज कर सकते हैं अपने कोई और, अगर उनको न्यू स्मार्ट सिटीज़ बनानी है या फिर कोई और चीज़ें उन्हें करनी है, तो वहाँ से वो क्या करेंगे पैसा निकाल के और इन सारे प्रोजेक्ट्स में वो लगाएंगे। देन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस किया गया है, नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030, ठीक है, तो 2030 का ये टारगेट दिया गया है, फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2030। तो यहाँ पे फ्यूचर रेडी, बस एक फैक्ट ये माइंड में रखना है कि 2030 का टारगेट दिया गया है, तो हमें क्या करना है, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है रेलवे की, तो उसको क्या किया गया, उसको ध्यान में रखा गया है कि इंडिया में जो मतलब
जैसे बहुत सारे, अगर अभी हमें कहीं से कहीं जो सप्लाई करना हो, जितना भी गुड्स हैं उनकी सप्लाई करनी हो, तो उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा ही लगती है ना। तो इसके लिए अभी बीच में हमने देखे थे कॉरिडोर की भी बात की गई थी, तो फ्रेट कॉरिडोर, तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है DFC एंड ईस्टर्न DFC, ठीक है, तो जो जून 2022 में रेडी हो जाएगा। तो ये इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए 1,10,055 करोड़ रुपीज़ कुछ दिए गए हैं। एंड देन हम पावर सेक्टर की बात करें, तो यहाँ पे भी काफ़ी रिफॉर्म्स देखने को मिले हैं, ठीक है। तो सरकार ने मतलब ये सोचा है कि 5 साल में 3,05,00,000 रुपए जो है डिस्कॉम जो कंपनीज हैं उनको दिया जाएगा, पावर कंपनीज को, ताकि वो क्या कर सके, एक प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग तैयार कर सके, है ना, अपग्रेडेशन कर सके सिस्टम का पूरी तरीके से। तो ये एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाएंगे, इस वजह से पावर सेक्टर को दिया गया है। अगर हम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की बात करें, तो फ्यूल फ्यूल मतलब यही आपका फ्यूल नहीं है कि जो हम गाड़ियों के लिए यूज़ करते हैं डीजल पेट्रोल ये सब, इसके अलावा भी फ्यूल होता है, जैसे कुकिंग फ्यूल होता है, जिसमें जो उज्ज्वला स्कीम है, तो यहाँ पे इसमें ये बोला गया है कि अभी तक जो उज्ज्वला स्कीम है, तो इससे 8 करोड़ बेनिफिशरीज थे, मतलब 8 करोड़ हाउस होल्ड हैं जो इसके लाभार्थी हैं, और इसमें हम 1 करोड़ जो हाउस होल्ड्स हैं उनको और ऐड करेंगे, तो हमारे फिर कितनी संख्या हो जाएगी, 9 करोड़ लाभार्थी इसके हो जाएंगे, ठीक है। और ये उज्ज्वला स्कीम में भी आपको देखिए LPG गैस कनेक्शन मिलते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं BPL के लोग, ठीक है। तो इसमें गैस पाइपलाइन का भी जिक्र किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक ऑपरेशन, ये भी एक बनेगा, ठीक है, जिससे सारा जो सिस्टम है वो भी इम्प्रोवाइज हो जाएगा। और मेट्रो के लिए भी काफ़ी मतलब बढ़ाया गया है जो बजट है, 66,484 करोड़ से 19,000 करोड़ जो है मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए दिया गया है, ठीक है। पोर्ट्स पोर्ट्स पे भी फोकस होगा, तो PPP मॉडल जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसी के अंतर्गत ये होगा। देन PSBs की बात करें, PSB क्या है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं हमारे, तो आपको पता है कि बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं, तो उनके रिकैपिटलाइजेशन की बात हो रही है ना। जैसे कि हमें देखने को मिलता है हर जगह से कोई ना कोई एक विलफुल डिफॉल्टर निकल के वो कहीं भाग जाते हैं लंदन या फिर दूसरी जगह पे, तो वो विलफुल डिफॉल्टर ने क्या किया हुआ है, हमारे उनकी वजह से भी NPA का इशू है, वो हमारे बैंक्स जो हैं आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस मतलब जूझ रहे हैं उससे, है ना। तो सरकार अपनी तरफ से क्या करेगी, 20,000 करोड़ रुपए का जो टैक्स पेयर का पैसा है वो इन बैंकों में लगाएगी। इसके अलावा 2 जो PSB हैं, अभी सरकार ने ये अनाउंस नहीं किया गया है कि कौन से मतलब वो PSB हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जो जिनका डिसइन्वेस्टमेंट होगा, तो अभी उसका भी अनाउंसमेंट होगा कि किसका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, है ना। वो पब्लिक सेक्टर के बैंक होंगे 2, तो ये तो होना ही है। देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट मतलब पैसा यहाँ पे लगाया गया है, एंड फिस्कल डिफिसिट तो हमें पता ही है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट्स जो होती है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा 9.5% ऑफ GDP है 2020-21 का। एंड जो मेन जो ये टारगेट जो मैं बता रही थी ना स्टार्टिंग में कि 3% का ये जो किया गया था कि 3% एटलीस्ट हमारा इतना ही होना चाहिए फिस्कल डिफिसिट, तो ये FRBM एक्ट 2003 में ये था, ठीक है, FRBM एक्ट 2003 में ये किया गया था ऐसा। देन हम बात करें अगर बाकी रोड्स एंड हाईवेज प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पे सरकार ने 2022 तक 8,500 किलोमीटर के रोड्स प्रोजेक्ट का काम करना भी शुरू कर दिया है, और 11,000 किलोमीटर का ये बोला गया है कि नेशनल हाईवे कॉरिडोर जो होगा वो भी कंप्लीट होगा, किसके अंतर्गत, जो भारतमाला प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत, ठीक है। ये चीज़ है, हम अगर बात करें अभी किसकी फिनेंस सेक्टर की, बैंकिंग एंड फिनेंस सेक्टर, तो 1958 का जो इंश्योरेंस एक्ट था इसमें अमेंडमेंट किया गया था, एंड इंश्योरेंस में जो FDI लिमिट थी उसको बढ़ाया जा सकता है ये बोला गया था, ठीक है, 49% to 74%। तो अभी मतलब ये कि जो बाहर के कोई कंपनी के किसी के ओनर होंगे, तो हमारे यहाँ पे आके जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वहाँ पे ज़्यादा अपने शेयर्स ले सकते हैं, और वो उसके ओनर भी बन सकते हैं, क्योंकि 49% की भागीदारी रहती थी उनकी पहले, और अब हो जाएगी 74% की, ठीक है, तो फॉरेन ओनरशिप ये होगी। देन एग्रीकल्चर की बात करें, तो 75,000 करोड़ का इसमें बजट एलोकेट हुआ है, एंड जो
एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अलाइड सर्विसेज हैं जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज या फिर डेयरी, तो इनको क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा डेवलप करने पे बातचीत की गई है। और एक आपको पता होगा कि ऑपरेशन ग्रीन स्कीम चली थी जिसमें आलू प्याज टमाटर तीन ही जो थी सब्जियां थी, है ना, लेकिन अभी जो है 22 पर पेरिशेबल जो क्रॉप्स हैं उनको इसमें ऐड किया गया है। और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को काफ़ी बढ़ाया गया है, इसके अलावा 30 हज़ार करोड़ बढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये आप डेटा एक बार देख लेना खुद से, बट जो ओवरऑल है यही सारी चीज़ें की गई है। माइक्रो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और ज़्यादा इसको बढ़ाया गया है, मतलब 5000 करोड़ का था तो 5000 करोड़ इसमें और ऐड किए गए हैं। एंड 1000 जो मंडी है उनको नैम, नेशनल एग्रीकल्चर मिशन जो ई नैम है उससे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ताकि फार्मर्स को जो भी है उसका प्रोड्यूस है वो अपने क्या कर सके, उसको ई जो ये एग्रीकल्चर पोर्टल है उस पर वो सेल कर सके। एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इस पर भी फोकस किया गया है, APMC से क्या करें वो लिंक कर सकें। देन ये बोला गया कि जो प्राइम मिनिस्टर किसान योजना थी तो उसमें जितना एलोकेशन किया गया था फंड का, तो ओवरऑल उतना ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और मनरेगा का जो बजट था वो बढ़ाया था लॉकडाउन में, क्योंकि जो माइग्रेंट्स थे वो भी घर चले गए थे, तो उनके पास भी जो काम था वो मनरेगा के अंतर्गत जो काम होते हैं वो भी वही कर रहे थे, महिलाएं हो या पुरुष हो। तो उसका बजट जो था पहले 73,000 था, फिर 111,000 करोड़ तक वो हो गया, है ना, मतलब 73,000 करोड़ से कितना बढ़ा दिया गया, 111,000 करोड़। फिर अगर हम बात करें लेबर की, तो लेबर के लिए मेन क्या किया गया था, पोर्टल, ठीक है। तो वो एक पोर्टल लॉन्च किया गया था जहाँ पे वो सारे अपने बारे में मतलब देख सकें कि उनके क्या क्या जो भी ग्रेवेंसेज हैं वो पूरे हो सकते हैं। और जो गिग वर्कर्स हैं, ठीक है, जो मतलब इधर उधर माइग्रेट करते रहते हैं एक जगह पे जिनकी जॉब नहीं रहती, तो उनके लिए भी काफ़ी सारे प्रोविजन दिए गए थे। एजुकेशन सेक्टर हमारा आ जाता है, तो एजुकेशन सेक्टर में 15,000 स्कूल को स्ट्रेंथन किया जाएगा। इसके अलावा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है तो वहाँ पे 100 नए जो सैनिक स्कूल है वो होंगे, और हायर एजुकेशन जो कमीशन है वो सेटअप किया जाएगा। देन लेह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रही हूँ आपको, आई होप कि दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। तो 750 जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे खोले जाएंगे। मतलब ये एकलव्य जो मॉडल स्कूल्स हैं तो वो कहाँ पे खुले जाते हैं, मेनली ट्राइबल एरियाज़ के लिए वो होते हैं ना। तो यहाँ पे 20 करोड़ से उसका बजट 38 करोड़ किया गया है पर स्कूल, एंड 48 करोड़ उन स्कूल्स को दिया गया है जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रीजन हो, हिली रीजन हो, तो उन स्कूल्स के लिए ये एलोकेशन दिया गया है। एंड नेशनल रिसर्च जो फाउंडेशन है, ठीक है, रिसर्च इकोसिस्टम को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए ये किया गया है। एंड नेशनल लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन पे भी ये भी लॉन्च किया गया है। तो 3.5% GDP का जो हमारे एजुकेशन पे है, मतलब इतना बताया जा रहा है कि इस साल का है। और डिजिटल सेंसस पे भी 3,768 करोड़ का फोकस किया, मतलब दिया जाएगा, उसके लिए प्रोवाइड किए गए हैं। साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस के क्षेत्र में डीप ओशन मिशन, बायोडायवर्सिटी, मतलब हमारी जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, तो उसके संरक्षण के लिए डीप ओशन मिशन ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक्सप्लोरेशन के लिए 4,000 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है बजट में, 5 साल तक मतलब ये सारी फंड जो है चलता रहेगा। एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड विल एग्जीक्यूट PSLV C-51, ठीक है, तो ये भी होगा। और गगनयान जो है हमारा दिसंबर 2021 के लिए, तो ये अनमैन्ड मिशन लॉन्च होगा, और अभी मतलब ये कि ह्यूमन बींग नहीं जाएंगे, लेकिन क्या हो सकते हैं एक अनमैन्ड गगनयान मिशन जो है ये तो लॉन्च होगा, ठीक है। तो ये बजट का ओवरऑल था, मतलब क्या क्या इसमें विभिन्न सेक्टरों पे फोकस किया गया था। और बाकी रुपीज़ कम्स इन और रुपीज़ गोज़ आउट, है ना, तो एक बार ये जो डायग्राम है आप इसको एक बार देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अगर बात करें हम तो कहाँ से मतलब रुपीज़ आते हैं, तो वो मेनली कहाँ से आते हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की और बोरोइंग्स है यानी कि लोन, ठीक है, तो 36% वहाँ से आते हैं। देन नेक्स्ट इसके बाद क्या है, GST, ठीक है, तो GST कलेक्शन से 15%। और ये भी नोटिस में रखना कि जो GST कलेक्शन था वो जनवरी 2021 में काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है, तो काफ़ी गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव एक रिज़ल्ट था। देन रुपी गोज़ आउट, सबसे ज़्यादा जो हमारा पैसा जा रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ता है, तो 20% जो है हमारा जो रुपीज़ गोज़ आउट टू इंटरेस्ट पेमेंट। एंड उसके बाद जो हमारे स्टेट्स शेयर्स ऑफ टैक्सेस
16% वहाँ पे जाता है, देन थर्ड फिनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर 10%, ठीक है, बाकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 14% जाता है और डिफेंस में और सब्सिडीज में 8% जाता है, ठीक है। तो ये है, सो आई होप आपको मैं बता पाई होंगी कि क्या क्या बजट था, और अगर ज़्यादा स्पीड लगी तो प्लीज़ स्लो कर लेना। एंड बाकी यह है मेजर एलोकेशन, यहाँ पे लाइन से दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सबसे ज़्यादा जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए बजट एलोकेट हुआ है। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस नाइस डे एंड बाय बाय।